थप्पड़ पे आते हैं जी। तो जब डिस्कशन हो रही थी, स्क्रिप्ट में पढ़ा आपने, तो क्या डिस्कशन हुई? ये आया भी कि करें नहीं करें, या क्लियर था कि करना ही है? उसको क्या बातें हमने बहुत डिबेट की थी बहुत क्या डिबेट क्या डिबेट क्या प्रोज एंड कॉन्स। एक तो ये था कि वो जस्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो सीक्वेंस जो था वो बहुत टाइटली नेट था, क्योंकि उस थप्पड़ के रिपरकशंस और आगे भी बहुत सारी पूरी स्टोरी उसी से कनेक्टेड थी। इवेंचुअली एक और कैरेक्टर का मिस कैरेज और वो सारा पूरा एक सीक्वेंस, इट वॉज टाइटली नेट। सो इट वॉज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड एंड अली वॉज वेरी रिलक्टेंट टू डू इट। एंड हमारी ये पूरी कॉन्वर्जेशन हुई कि इसको अगर हम निकाल दें, बट देन फोकसिंग ऑन द मैसेज ऑफ द सीन एंड हाईलाइटिंग दिस, तो हमें नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट इसने स्पार्कअप की। जी बिल्कुल। एंड दैट वॉज द एजेंडा कि इसको कहीं भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया, इसको कहीं ये नहीं कहा गया कि ये ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये तीन कैरेक्टर्स हैं और ये ऐसे ही हैं, दिस इज हाउ दे आर एंड दिस इज वॉट दे डिड। तो स्टोरी है बाय द एंड ऑफ द डे एंड देयर कैरेक्टर्स रिएक्टिंग। कि इस प्ले में हीरोइन हीरो को बचाने के लिए आई, तो मैं तो अक्सर ये रबाब को कहता हूँ कि मैं हीरो नहीं हूँ, आप हीरो हैं, मैं हीरोइन हूँ इस ड्रामे की। ये रोल रिवर्सल्स हैं कि मैं आई एम द डैमसल इन डिस्ट्रेस, मुझे आपने बचाने के लिए आना है। तो इन नो वे वो ग्लोरीफाई किया गया है कि एक हीरो ने थप्पड़ मारा है हीरोइन को और उसके बाद ही इज प्राउड, उसके बाद वो उससे वो बहुत चल। अगर आप उस क्लिप को, जो एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत वायरल हो गया, उसमें अगर आप उसी में देख लें, तो उसमें ज़ैन क्लियरली अवॉइड करना चाह रहा है उस थप्पड़ को, और क्योंकि जब उसे पता चल गया कि यार अच्छा मैं नहीं बच सकता और ये तो बोल रही है और ऐसी बात बोल रही है जो मेरी माँ को नहीं, उस एक सीन से वो पावर डायनामिक्स बड़ी क्लियर हुई है लोगों को कि टिल शी कम्स वो ही इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, व्हेन शी कम्स एंड शी सेज कि रियली तुम्हें ये अच्छी लग रही है, तो ज़ैन का अपना जो फियर है और वो उस फियर में रिएक्ट करता है और वो जो कहते हैं ना, आई फील लाइक दैट स्टार्टेड दैट कॉन्वर्सेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, द अवेयरनेस टुवर्ड्स। जब मैं वो थप्पड़ का सीन मैंने देखा, तो क्योंकि जो दिखाया था जो सीन था उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं मुझे जस्टिफाई लग रही थी, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, फिर मैं जरा ऑनेस्टली बात कर लगी होती नहीं, आप ऑनेस्टली बात कर बिल्कुल ऑनेस्टली कि वो लगा नहीं, जस्टिफाई नहीं लगा कि इतनी सी बात पे ज़ैन इस तरह रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली, वो जस्टिफाइड नहीं था। उसके बाद आगे जाके भी बहुत सी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद ज़ैन ने उस पे हाथ नहीं उठाया, दो चीजें, ठीक है। सो दैट मेक्स मी वंडर कि क्या वो थप्पड़ इसलिए रखा गया कि व्यूज और बातचीत हो इस पे। लेट मी कंप्लीट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, जैसे इस पे आप लोग एक सर्टेन पॉइंट को लाना चाह रहे हैं या यही बात कि नहीं मारो थप्पड़, या तो बजाय इसके कि हम इधर उधर की बात करें वो चीज़ हम करते हैं ताकि उसके बारे में बात होना शुरू हो जाए। तो क्या ये रास्ता लिया गया था, इसलिए थप्पड़ यूज़ किया गया था? क्योंकि थप्पड़ नहीं करता, वो ज़ोर से चीखता, आई वुड हैव, मुझे ज़्यादा समझ आती, दो तीन दफ़ा उसको, या उसको थोड़ा सा हाथ से धक्का दे देता, उसके लिए भी थोड़ा सा डिबेट है। बट थप्पड़ जो उधर लगा, वो सीन इतना मुझे बात ऐसी नहीं लगी थी कि जिस पे वो उठा के मार देता, क्योंकि उसके बाद भी बहुत दफा हुई है बातें। सुने इसी वीक में ना, बज़ात में एक ही एपिसोड में मुझे पांच थप्पड़ पड़े हैं। पांच थप्पड़, एक उर्वा से तो की थी, एक उर्वा, अब देखिए ना, अब ये देखिए, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन जस्टिफाइड, सुने ना, एक थप्पड़ उर्वा से पड़ा, उसी वक्त एक थप्पड़ इमरान से पड़ा, फिर दो थप्पड़ नीचे दोबारा इमरान से पड़े, फिर एक थप्पड़ महमूद असलम साहब से पड़ा। दिस हैपेंड इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। जी, कोई डिबेट्स बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की, तो वो तो एक बुरा, वो वायरल हुआ, उसको मारे तो आप, वो वायरल हुआ हमारी एक्टिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं सबको, इसका मतलब कि बुरे इंसान को मारे? नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही, एग्जैक्टली बात मैं कह रही हूं कि उसकी फिर भी आप जस्टिफिकेशन, आप फिजिकल वायलेंस की बात कर रही हैं ना, दो चीजों, बात तो ये हो रही है कि फिजिकल वायलेंस है। अब या तो आप ये कहें कि फिजिकल वायलेंस इज अलाउड ऑन अली अब्बास बट नॉट ऑन रबाब, तो मैं पूछूंगा व्हाई, ठीक है, पहला ये सवाल है, इसका जवाब एक एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरी बात ये कि या तो आप ये कहें कि फिजिकल वायलेंस इज अलाउड, भाई जो गलत तरीके से जिसने ग्लास तोड़ दिया उसको भी चंड मारोगे जाके, ऐसा तो नहीं है। सो हमारे हमारे माइंड में इन नो वे ये बात थी कि ये वायरल हो जाएगा, और बट वी वर रियली हैप्पी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, एंड वो तो हमारा फ्रॉम डे वन इस ट्रैक को लेकर मेंटल हेल्थ पे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का हमारा था एजेंडा। वी वॉन्टेड कि जब ये ट्रैक इस तरह जाए, इसको इसी तरह परसीव किया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, एक बंदा जो नॉर्मल नहीं है, ऑल थ्री ऑफ अस आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ना, तो वो कैरेक्टर्स एक सर्टन वे में एक्ट कर रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी,
विच इज़ नॉट नॉर्मल एंड दैट इज़ समथिंग जो आई एम ग्लैड कि जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं और जो कि नोटिस हुआ है. सो इन दैट वे यू कुड से कि हमारा ये एजेंडा था कि ये कॉन्वर्जेशन शुरू हो यहाँ से एंड पीपल आर कैचिंग ऑन टू इट. बट इन नो वे वी सपोर्ट वायलेंस ऑन एनीवन, ऑन एनिमल्स, ऑन ह्यूमंस, ऑन वुमेन, और उसको किसी वे में ग्लोरीफाई भी नहीं कर रहे. लाइक उसको हमने ये नहीं दिखाया कि ये अच्छी बात है. अगर ये मैसेज होता तो हम में से कोई भी कर नहीं रहा होता अगर ये मैसेज. अगर और फिर दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था कि अगर हमने जानबूझ के ये बात डाली होती कि वायरल हो जाएगा तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम दोनों की आ रही होती. हमने कुछ भी नहीं बोला. ना हमने अपनी स्टोरी पे कुछ लगाया, ना हमने किसी पोस्ट पे कमेंट किया, ना हमने किसी को जाके जस्टिफिकेशन दी. वी वर जस्ट ट्राइंग टू गेज कि लोग क्या बात कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं और लोगों का डिवाइडेड ओपिनियन है. अगर आप उसके कॉमेंट्स पढ़े, एक और चीज भी है, आपको पता होगा थप्पड़ वाला सीन वायरल हुआ, बहुत से लोगों ने उस पर बात भी की. चांद वाला सीन वायरल नहीं हुआ, किसी ने भी उस पर बात नहीं की. जो मेरा रोने वाला सीन था वो वायरल नहीं हुआ, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की. अभी जो बच्चे वाला मॉन्टाज था उसके ऊपर दो चार अच्छे एजुकेटेड लोगों ने कुछ बना लिया, बड़े किसी ने नहीं बात की. तो प्लीज़ वो थप्पड़ को जब आपने देखना है ना तो खाली क्लिप को ना देखें, उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ है, वो उसके ऊपर बात करें. 7 बजे वाला ड्रामा है, आप रिव्यू करेंगे, आप बड़े हैं, आप छोटे नहीं हो जाएंगे. ना ही आपको वो अली मैं इंटरव्यू कर रही हूं आपको. नो सीरियसली, मेरे को लड़ जाएंगे. नो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. नहीं नहीं, मैं आप आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि 7 बजे वाला ड्रामा है, ये तो रोज चलता है, तो इसके ऊपर क्यों बात करनी है. आपने अगर बात करनी है ना, आप फिर प्रॉपर तरीके से करिए. इट्स ओके, आई विल टेल यू. आप आगे पीछे से. नो नो, दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट, ही इज राइट. आई विल आंसर. ओके, नो नो, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. मुझे बदल के, मैं भी शामिल हूं, मैं भी जवाब दूं. नहीं, आपका तो देखिए, आपका फीडबैक तो मुझे पता है. आपने, मैं सबको बता दूं, इन्होंने हमें यहां पर जितने एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं सब देखने के बाद बुलाया. सो इनकी रिसर्च पूरी है. 10 में से 10 नंबर है आपके. इनकी रिसर्च पूरी है. इन्होंने हमें नेगेटिव कोई बात करने के लिए नहीं बुलाया. और ये हमेशा ही कहती हैं कि इनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए. वो 7 बजे वाले ड्रामे के ना इश्यूज, वी रियली वांट टू. फितरत भी मैंने किया है और उसके बाद ही फितरत 9 बजे वाला था. अच्छा, वो लॉन्ग सीरीज में मैं कर लेती हूँ. एक्चुअली 7 या 8 या 9 बजे के मेरा इशू नहीं है. मेरा इशू ये जो रोज आता है ना, उसको रोज कैच करना. मैं तो आपकी बात कर भी नहीं रहा. मैं जनरली ये थिंकिंग बाकी जगहों से भी होती है. आपने मुझे बजाद के लिए नहीं बुलाया, आपने मुझे अंगना के लिए बुलाया. तो आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर यू. अच्छा भाई, दो लव्स मोहब्बत के बोल ले मियाँ और गुस्सा उस्सा कर ले और फिर दिल जीत ले, ये मैसेज नहीं दे रहा थप्पड़ के. अभी हम थप्पड़ की कंटिन्यूएशन में नहीं. मुझे लगता है वो तो मोहब्बत की बहुत सारी बात करना चाहता है, तभी तो इतने प्रॉब्लम्स आते हैं. बस थप्पड़ मारा, उसे सॉरी बोल दिया, तो शी इज ओके. ये मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, इसका थोड़ा सा कंसर्न था कि थप्पड़ मारा एंड सॉरी बोल दिया, तो शी इज ओके. आई थिंक शी इज नॉट ओके. एंड अगेन आई सेड कि इफ दिस कैरेक्टर वॉज अ सर्टन वे तो शायद वो छोड़ चुकी होती अभी तक. लॉजिकली अगर मैं इसको जिस तरह से देखती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लमैटिक होता, she sees that he's mentally disturbed, uske sath kuch masla and he's being controlled. So I think wo is wajah se she's still there. And like I said ki mera apna jo message hai wo bahut clear hai ki give it your 100%, but when you see ki aapki certain boundaries cross ho rahi hai, you should leave. To ishaan ko bhi time chahiye. सवाल इसलिए पहले सारे पूछी थी कि जो जो मुझे नजर आ रहे थे, जो मेरे भी थे, लेकिन अगर मैं देखूँ तो आई थिंक हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फॉर इशाल, बिकॉज वो मोहब्बत करती है उस बंदे से और कि उसको हम एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम से छोड़ के चली जाए. और वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता. अगर आप ड्रामे से हटा के रियल लाइफ में भी देख लें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपनी सारी जिंदगी देखा है. आई लुक अप टू देम, दे आर स्ट्रॉन्ग, बट देर इन अब्यूसिव मैरिजेस, देर इन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, और उस एक जगह स्ट्रेंथ नहीं आती. लेकिन मुश्किल है. लेकिन मुझे यहाँ इशाल के साथ सिर्फ ये नहीं लग रहा, इशाल एटलीस्ट आई वुड लाइक टू से कि इशाल wants के इस बंदे को मैं किसी तरह pull out कर लूँ, save कर लूँ, pull out कर लूँ, because it's not a normal person जो उससे बस बदतमीजी कर रहा है ना. ज़ैन के साथ issue है, ज़ैन के साथ मसला है, जो इशाल देख रही है, जो हम hope करें कि इशाल will be the savior. Absolutely. अच्छा, मैं double minded हूँ, ठीक है. मुझे लगता है कि ये concept अच्छा है कि आप देख रहे हैं कि इस इंसान के साथ एक मसला है और आप शायद उसकी मदद कर सकें, ठीक है, और आप
जिस तरह अभी इशाल करिए कि वो शीज पुटिंग अप विद एवरीथिंग जो उसकी तरफ आ रहा है, यू नो, ज्यादतियाँ और बदतमीजी. लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी है कि क्या जैन जैसे लोगों को सेव किया जा सकता है? क्या क्या वो क्या एक लड़की अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा लगा दे इस रिस्क पे? मैं डबल माइंडेड हूँ. मुझे लगता है हमारी मेन कॉन्वर्जेशन यही है कि अगर सही टाइम पे इंटरवेंशन हो तो सेव किया जा सकता है. आई फील लाइक हम अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. थेरेपी, मेंटल हेल्थ, अगर आप किसी से कहें कि यू ऑप्ट फॉर इट, लाइक अली सेड, कि वो कहते हैं मैं पागल हूँ क्या, मतलब ऑफेंड हो जाते हैं लोग. तो आई फील लाइक अगर सही टाइम पे इंटरवीन किया जाए तो आप बचा सकते हैं सामने वाले को. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की जो जहां तक बात है ना, दिस इज नॉट अ सिंड्रेला स्टोरी कि यूं अचानक सब ठीक हो जाएगा. सिंस वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट एंड वी ट्राइंग आवर बेस्ट हम उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल करें. थेरेपीज में इस तरह के पेशेंट्स को ठीक होने में समटाइम्स इट माइट टेक इयर्स एंड इट स्टिल स्टेज विद यू. उसका ट्रिगर चाहिए होता है आपको. और यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग औरत जरूरी तो नहीं है कि छोड़ के चली जाए. एक स्ट्रॉन्ग औरत अपने शौहर के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकती? This is a very interesting. And why not? Strength को हमने हमेशा उससे ले लिया कि बस यार छड़ के आ जा. Exactly. ये तो नहीं होना चाहिए. फिर दूसरी बात ये, क्या आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है, हम एक अलग कल्चर में रहते हैं. इशाल पहले दिन ही छोड़ के आ जाती. एक जैसे हम कह रहे हैं डिवाइडेड ओपिनियन है. एक जो सोसाइटी का पार्ट है वो तो कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा किया. एक पार्ट कहता है नहीं यार, ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज दे रहे हैं कि बस छोड़ के आ जाओ, अपना घर तलाक ले लो, खत्म कर दो. वो पार्ट्स टू सम एक्सटेंट ठीक भी होता. क्योंकि अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं तो इसमें भी देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम. कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इफ अ सिचुएशन गोज डाउनहिल तो आप बिल्कुल फॉरेन से एस्केप रूट देखें और आप भाग जाएं उससे. दैट इज ऑल्सो नॉट अ मैसेज. एंड आई थिंक इनकरेज भी नहीं करना चाहिए इस बात को. बिकॉज इफ यू गॉट इन योर सेल्फ इन टू समथिंग, यू शुड पुट इन योर 100% वर्क इन टू इट. अगर आपको एट सम पॉइंट लगता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, देन यू लीव. लेकिन स्ट्रांग होने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि यू नो तोड़ फोड़.